नहीं, तुम गलत चैनल पे नहीं आए हो, ये मार्वल डूड का ही चैनल है, बस मैंने नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मार्वल डूड बहुत बायस्ड लगता है, इसलिए अब इस चैनल का नाम है सिनेमा विद अवि। तो एक और वेडनेसडे के साथ सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 3 ड्रॉप हो चुका है, एंड यकीन मानो इस एपिसोड को देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुआ। मैं पहले दिन से यही बोल रहा था कि मार्वल को अब कुछ नया ट्राई करना चाहिए, स्टार्टिंग के 4 एपिसोड्स हल्के रखकर लास्ट के 2 एपिसोड में सब कुछ भरने वाला फॉर्मूला अब बहुत पुराना हो चुका है, एंड तुमने अब तक की हर एक सीरीज में यही फॉर्मूला अपनाया है, 2-3 को छोड़ के बाकी हर एक सीरीज तुम्हारी मिड रही है। एपिसोड 3 की बात करें तो काफी ऑप्टिमिस्टिक सोच के साथ मैंने एपिसोड स्टार्ट किया और मैं ये प्रे ही कर रहा था कि ये लोग अपने फॉर्मूला से कुछ हटके ट्राई, पर मेरा डर सही हुआ। मार्वल वाले कभी नहीं सुधरेंगे, उन्हें हम ऑडियंस की सुननी ही नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये चीज उनके फेवर में भी काम कर चुकी है, अगर उन लोगों ने अपनी स्टार्टिंग की मूवीज से क्रिटिसिज्म को सीरियसली लिया होता और अपने प्लान को ड्रॉप कर लिया होता तो इन्फिनिटी सागा जैसी एपिक स्टोरी लाइन हमें कभी देखने को ही नहीं मिलती। लेकिन आप हर बार तो क्रिटिसिज्म को अनसुना नहीं कर सकते ना। खैर, अगर एपिसोड 3 की बात करें तो एपिसोड 3 में एक्चुअली एक मेजर इवेंट होना है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करेंगे, और उस इवेंट को रोकना है अपने फ्यूरी और टैनोस भैया को। पर जैसा कि मैंने अपने एपिसोड 1 के रिव्यू में कहा था कि आप लोगों को बस अपने स्टेक्स को हाई नहीं रखना है बल्कि उन्हें जस्टिफाई भी करना है, एंड यकीन मानो इस पूरे एपिसोड के अंदर कहीं भी टेंशन फील नहीं होती कि भाई वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने के कगार पर है, ह्यूमंस एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या इस सीरीज से, निक फ्यूरी को कोई सीरियसली क्यों नहीं ले रहा? भाई निक फ्यूरी ही वो बंदा है जिसने एवेंजर्स को बनाया था। इसके अलावा अगर मैं कैरेक्टर की डेथ्स की बात करूं तो इस एपिसोड के अंदर भी एक मेजर कैरेक्टर की डेथ होती है, हालांकि वो एक टेंपरेरी डेथ है एंड हो सकता है कि लास्ट के एपिसोड में हम वो कैरेक्टर वापस मिल जाए क्योंकि ट्रेलर्स के अंदर उसके ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि अभी हमने सीरीज के अंदर नहीं देखे हैं, एंड एक्चुअली में यही वो एक एंगल है जो इस पूरी सीरीज को बचा सकता है, इंपोस्टर वाला पूरा एंगल। एंड अगर उन लोगों ने इस चीज को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करके दिखाया तभी जाके ये सीरीज कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाएगी, वो भी लास्ट के 2 एपिसोड्स के अंदर। लेकिन उसके अलावा मैं तुम्हें मारिया हिल की डेथ के लिए कभी माफ नहीं करने वाला, एंड उसके अलावा कुछ और खास दिखा भी नहीं एपिसोड में, और अब मैं सच बताऊं तो मैं उम्मीद रखना भी नहीं चाहता इस सीरीज से। हम लिटरली ये सोच रहे थे कि 6 एपिसोड में सीक्रेट इन्वेजन वाले इवेंट को दिखाना कितना मुश्किल होगा और सब कुछ जल्दी जल्दी में दिखाना पड़ेगा इनको, और यहाँ ये लोग फिलर एपिसोड्स ड्रॉप कर रहे हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के हर एक मेजर इवेंट पे हमने हर बार थ्योरीज रखी हैं कि कितना कुछ हो सकता है, पर हर बार ही सबसे हल्के तरीके में उस इवेंट को निपटाते आए हैं। एग्जाम्पल के लिए तुम ले लो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस से अपना हल्क पिट जाता है और हमें ये लगा था कि भाई एंड गेम के अंदर अपना हल्क इनक्रेडिबल हल्क बनेगा, मिला क्या स्मार्ट हल्क जो कि अब कोचिंग क्लासेस देता है अपनी कजिन्स को। लव एंड थंडर के अंदर हमें लगा था कि भाई गॉड द गॉड बुचर से लड़ने के लिए थॉर को एक नया पावर अप मिलेगा, मिला क्या कॉमेडी नाइट्स विद थॉर। हाँ मुझे पता है कि मैं हेट स्प्रेड करने वाले किसी ट्रोल की तरह साउंड कर रहा हूँ, पर ये जरूरी भी है। देखो तुमने हेटर्स को देखा होगा जो अंधा हेट फैलाते हैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी या किसी एक पर्टिकुलर आर्ट को लेके, चाहे वो मूवी हो, कोई म्यूजिक हो, कोई एक्टर हो या फिर कुछ और चीज। लेकिन क्या तुम्हें पता है उस हेटर से भी बुरा कौन है? नहीं पता, मैं बताता हूँ। एक डाई हार्ड फैन जो तुम्हारा हेटर बनने वाला है तुम्हारे फेलियर्स की वजह से, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे आर्ट की कमियां नहीं निकालेगा या फिर जिस चीज में तुम बेस्ट हो, वो तुम्हारी पर्सनल कमियां भी निकालेगा। वो इवन तुम्हारी पर्सनालिटी में भी क्वेश्चन करेगा और ये भी पूछेगा कि भाई तुम एग्जिस्ट क्यों करते हो। और अगर तुम्हें इस चीज में भी एग्जांपल चाहिए तो रिवर्स फ्लैश इस चीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है। रिवर्स फ्लैश बैरी एलन यानी कि फ्लैश का एक बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब वो उसका हेटर बना तो वो उससे इस कदर तक नफरत करने लगा था कि उसने फ्लैश के माँ का कत्ल तक कर दिया था। मार्वल को अब समझना होगा कि भाई ऑडियंस चूतिया नहीं है जो अपने 4 हफ्ते का टाइम वेस्ट करे आपके 4 फिलर एपिसोड्स को देखने के लिए, और केवल लास्ट के 2 एपिसोड्स में आप पूरा कंटेंट अपना ड्रॉप करो इस सीरीज का, उसमें से भी आप एंडिंग सही से लैंड ना करवा पाओ। एग्जांपल के लिए फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर, मिस मार्वल, भाई बच्चों ने डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के अगेंस्ट बैटल लड़ी है मिस मार्वल के फाइनल एपिसोड के अंदर। लेकिन जाते जाते एक चीज जरूर मेंशन करूंगा कि भाई मार्वल वालों ने इस सीरीज के लिए स्पेशली जो ब्लड और वायलेंस को लेके टेक लिया है वो थोड़ा बोल्ड लगा मुझे, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला। खैर आज का ये वीडियो बस यहीं तक था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलूंगा आपसे किसी और दिन ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।